So this is the Taming Sari. ये एक टॉवर है, इसको आप ये समझ लें कितना है, 80 मीटर्स है इसकी हाइट. सो इस पर से आप यह है कि सारे का सारा जो मलाका है वो सारा आप देख सकते हैं. सो अभी जाके देखते हैं, इसकी टिकट लिखा तो हुआ है, देखते हैं अगर टिकट हमें मिलती है और अंदर हम जा सकते हैं. इसके ऊपर तक हम जाएंगे यार, देखेंगे अगर वो जा सकते हैं तो ज़रूर जाएंगे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सो कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. गर्मी की तरह शिद्दत है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है. उम्मीद कर रहा हूँ कि रात जो है वो हल्की फुल्की ठंडी हो जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है. इसलिए फुल स्लीव पहनी हुई थी, मैंने तो फुल स्लीव भी उतार दी है, हाफ स्लीव पहन ली है, एक शर्ट जो है मैंने बैग के अंदर रखी हुई थी. और अभी हम लोग जा रहे हैं जी तमिंग सारी, जो कि एक टॉवर है. उसके बारे में अभी ये रूट है उसका, और अभी हम इधर ही जा रहे हैं. और रास्ते के अंदर ये शॉप्स आएंगी, ये आप एड्स मिल जाएंगी, उसके बाद ये इकरान बेकर रेस्टोरेंट ये मिल जाएगा, और मज़े की चीज़ आपको रिवर भी मिल जाएगा यार इस साइड पर. और इसी साइड से हम लोग जा रहे हैं. अभी अभी आया जी कैफ़े रैम्पा विलेज, बेकरी और डिज़र्ट है इनके पास. डिज़र्ट तो है अच्छी यार. क्लोज वाई मैन, वाई वाई क्लोज कंट्रोल. और ये यार लग रहा है कि पुलिस स्टेशन ही है, पुलिस की कार वगैरह हर चीज़ वही खड़ी हुई है. ये यार बच्चों का प्ले लैंड भी है अंदर, वो देख सकते हैं आप, लेकिन हम तो बच्चे नहीं हैं, हम इधर नहीं जाएंगे. रास्ते में जाते हुए आपको ये शिप नज़र आएगी. लुक एट दिस, हाउ ह्यूज इज दिस, एंड दिस इज द म्यूजियम. म्यूजियम लिखा हुआ है यार, म्यूजियम समुद्रा. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. और ये है जी दातुकसेरी उतामा डॉक्टर मुहातिर बिन मोहम्मद, 13 HP June 1990. अच्छा एक और चीज़ है, ये मलाका जो स्टेट है ना इनकी, इसके अंदर सब जगह आप जिधर भी देखेंगे ना आपको म्यूज़ियम जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे. बट मोस्ट ऑफ द जो म्यूज़ियम है ना वो क्लोज हैं इस टाइम, नहीं वो वैसे भी क्लोज ही रहते हैं. कोई ओपन होते हैं वो होते हैं जी तकरीबन सुबह 9 से लेके 5 बजे तक. सो जिसने भी आना है वो ये माइंड के अंदर ये चीज़ रख के ज़रूर आए कि 9 से 5 तक ही विज़िट हो सकते हैं, और पहले ही गूगल करके उनको सर्च कर ले कि किस किस जगह वो विज़िट कर सकते हैं. लाइक अब ये देखें, ये एक और है जी म्यूज़ियम इनका, ठीक है, ये नेवी म्यूज़ियम है, ठीक है. और बट ये भी क्लोज है, ऐसे तो नहीं होता है, हर चीज़ इसकी भी बंद है. आप सिर्फ यानी कि बाहर चलते फिर तो इसको देख सकते हैं, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते इसके. सो दिस इज़ द तमिंग सारी. ये एक टॉवर है, इसको आप ये समझ लें कितना है, 80 मीटर्स है इसकी हाइट. सो इस पर से आप यह है कि सारे का सारा जो मलाका है वो सारा आप देख सकते हैं. सो अभी जाके देखते हैं, इसकी टिकट लिखा तो हुआ है, देखते हैं अगर टिकट हमें मिलती है और अंदर हम जा सकते हैं. इसके ऊपर तक हम जाएंगे यार, देखेंगे अगर वो जा सकते हैं तो ज़रूर जाएंगे. यार ये है जी टिकट काउंटर, मिनारा तमिंग सारी टिकट काउंटर. इसकी टिकट हमने ले ली है, इन्होंने 23 की हमें टिकट दी है, ठीक है. और इसके साथ एक जो पानी की बोतल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है. सो अभी हमने ये ली है, और उन्होंने कहा है हमें गेट वर्ड इस साइड को आप जाएं. अभी यहाँ पे एक शायद पिक्चर बनाएंगे और देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. और ये बाइनोकुलर भी पड़ी हुई है यार, ये भी आप लेके जा सकते हैं. अभी तो पिक्चर हमने बनवा ली हुई है, और ये चेक करते हैं कि कितने की है. तो यार अभी इन्होंने नीचे जो है वो रेंटल बाइनोकुलर रखी है. अगर आपने एक पीस लेना है तो 5 रिंगट, अगर 3 पीस लेने हैं तो 10 है. इधर ज़्यादा लोग भी आते हैं ना. अब ये चेक करें जी, ये एक पीस है, ये हमने लिया है, जो कि हमने ये पहना हुआ है. अब इसके अंदर से हम देखेंगे उसको, क्योंकि हमने 5 रिंगट का लिया है, हमने जो करेंसी है उसका, क्योंकि ज़ाहरी बात है वो ऊपर जाना है, तो यार जाके हम देखें भी ना राइट लेफ्ट सारे. ये है जी 1 मिनट के अंदर वो ऊपर लेके जाते हैं, उन्होंने कहा है 1 मिनट में नीचे, और 5 मिनट जो हैं वो ऊपर देते हैं. अब हमें इसका आइडिया नहीं है कि ऊपर किस तरह जाते हैं और नीचे किस तरह ले कर आते हैं. तो यार अभी उनसे पूछा है हमने कि आप हमें ऊपर किस तरह ले कर जाएँगे, उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर आपने बैठना और स्लोली 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 आप ऊपर जाएंगे, और ये है कि आराम से इसी तरह ही नीचे आएंगे. जब हम जाएंगे तब आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह हम ऊपर जाते हैं. यार चल 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 अल्लाह माकर ऊपर नहीं, मतलब इस मीनारे के ऊपर किस तरह जाते हैं हम. इसके ऊपर लिखा हुआ है जी कि ये चीज़ें पैसेंजर टर्म एंड कंडीशन फॉर द मीनारा तमिंग सारी. इसके ऊपर यानी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये प्रोहिबिटेड है. सो दिस इज द बर्ड्स आई व्यू ऑफ मलाका. ओके, और हम इसके अंदर इसी तरह जा रहे हैं.
जहाँ मर्जी यानी कि हमें मिले स्पेस हम बैठ सकते हैं, यहाँ ही यार बैठ जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन बनता है हमारे साथ। ऊपर जाते हैं, मुझे लगा ये ओपन है बिल्कुल यार, ये तो बिल्कुल क्लोज है, लाइक इधर मिरर लगा हुआ है और इधर आपने शाना है। और ये यार वही जगह जहाँ से हम अभी अंदर एंटर हुए थे। वो देखें जी, गेट जो है बंद हो चुके हैं और अटेंशन लिखा है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर पर्सनल बिलोंगिंग्स। अच्छा, मैंने भी उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये ऊपर किस तरह आप लेके जाएंगे, जस्ट लाइक बूम तो नहीं जाएगा? कहते नहीं नहीं नहीं, आराम आराम से जाएंगे। इधर खड़ी थी लड़की, उसने मुझे बताया कि बस आराम आराम से जो है हमें ऊपर लेकर जाएंगे वो। अच्छा, लैंग्वेज इधर भी यार बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ उर्दू और टर्की से मिलती जुलती है। देखिए, मीनारा, मीनारा हमारे भी मीनारा कहते हैं, मीनारा, तमिंग सारी, मीनारा तो इसी को कहेंगे ना, मीनारा ये जो ऊपर लेके जा रहे हैं हमें, और तमिंग सारी उसका नाम है जहाँ से सारा मलाका जो है वो सारा नज़र आता है। और ये एक गेट क्लोज है, अभी एक तो सीट्स रहती होंगी जिसका जो फिल करके देन वो इसको ऊपर लेकर जाए। और अभी जस्ट वाकई यार आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर जा रहा है, बच्चों ने पीछे खीर किस्म का चीखाना चिल्लाना शुरू कर दिया हुआ है क्योंकि उनको शायद डर लग रहा है यार, मुझे तो यही लग रहा है, उनको डर लग रहा है यार वो चेक करें। ऊपर से मौसम जो है वो एक तो बड़ा लेवल किस्म का हो चुका है इस टाइम। अच्छा, शाम के टाइम में ना अक्सर ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ना वो हमें करनी चाहिए हमेशा इसकी टाइम, लाइक सूरज जो है वो ग़ुरूब हो रहा हो और रात जो है वो भी आने वाली हो, तो यार बहुत जो है ना एक अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस जो है ना वो देन आप उसको ले सकते हैं। अभी नीचे चेक करें यार, कार्स खड़ी हैं, अभी ये थोड़ा ही ऊपर गया, अभी ये पूरा नहीं गया ऊपर, और यार ये चेक करें कितना खूबसूरत वाकई लग रहा है, लाइक इस तरह लग रहा है कि हम खुद यानी कि ड्रोन के अंदर ही बैठे हुए हैं और ड्रोन ही हमें जो है सारा व्यू कैप्चर करके दिखा रहा है। और वो दूर दूर आप देख सकते हैं कि जितनी बिल्डिंग है, अब तकरीबन हम बिल्डिंग्स के जो पास पास हैं वो पहुँच चुके हैं, अभी इससे भी ऊपर जो है ऐसा ऐसा में लेकर जाई जा रहे हैं भाई, ऊपर जाके वो उसको स्टॉप करेंगे। हाँ, अभी जो है हाँ यहाँ तक पहुँच चुके हैं यार, ये चेक करें अब नज़ारा, आप चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है यार, और वो चेक करें दूर से कितना जो बीच है, बीच ही लग रहा है ना, वो भी कितना खूबसूरत लग रहा है, वो एक बिलबोर्ड टाइप भी लगा हुआ है वो भी शो करवा रहे हैं, इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है वो यार, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बंदा ना इस व्यू के साथ इधर ही सो जाए, कहीं खाए पिए याशी करे, यहाँ ही रह ले थोड़े दिन के लिए, क्या ख्याल है आपका, मुझे बताएं आप भी। और यार ये तो बताना ही भूल गया कि ऐसा ऐसा जो है राइट साइड को भी जा रही है, मतलब मूव हो रहा है ये ना, ये सारा 360 व्यू आपको इस तरह दिखाते हैं। सो फाइनली वी आर बैक, और अभी जा रहे हैं जी बाहर, उसको ये जो बाइनोकुलर है ना ये जो है ये उतार के देंगे, लेकिन इसका फ़ायदा इतना कोई नहीं हुआ क्योंकि जितनी देर में ऊपर जाते हैं इंसान वीडियो बना रहा है, कितना कुछ देख लेगा, और वो स्टिल मूव करी जा रही होती है। थैंक यू। दे हैव ऑल द शर्ट्स और मग हैं और छतरियां हैं इनके पास, और मैंने कहा यार जाते जाते क्यों ना कोई एक अच्छी चीज़ ले ही ली जाए, क्योंकि यही तो यादें होती हैं, जिस तरह हमने दुबई से भी काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, शहजाद भाई ने भी हमें गिफ्ट की थी। भाई अभी इधर से जाते हमने ये लिया है, ये जो हमने पिक्चर बनवाई थी मीनारा तमिंग सारी, ठीक है, ये ईयर 2024 में बर्ड्स आई व्यू ऑफ मलाका ये लिखा हुआ है। और अभी यार हम लोग आए हैं जी बर्गर किंग, क्योंकि सीन कुछ यूँ है कि मैं खाने लगाऊँ बर्गर किंग, इधर हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह, पूछ लिया उन्होंने कहा कि हलाल है, तो दैट्स वाई म्यूज़िक उनसे कहा है कि बंद कर दें यार काइंडली, तो उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन अगर यही पाकिस्तान में हो तो कोई सुनता ही नहीं है, अल्लाह का बंदा इस तरह के बंदे होते हैं, म्यूज़िक पाकिस्तान में भी बंद कर दिया, लेकिन इधर जो उनसे रिक्वेस्ट की जाए वो कर रहे हैं। थाईलैंड से भी जो बेहतरीन है वो मलेशिया है, क्योंकि मैंने तो यही चीज़ नोट की है। और अभी वो जो है वो मेरी कहीं ड्रिंक पड़ी हुई है, और साथ में उसके बर्गर लिया है मैंने, चिकन के अंदर ही लिया है, लाल तो सारी चीज़ें हैं बट चिकन के अंदर लिया है, क्योंकि चिकन वाला जो ग्रिल बर्गर में ऑयल कम होता है और वो सेहत के लिए भी ज़रा अच्छा होता है। बड़ी अच्छी बात कही है, दैट्स व्हाई हमने ग्रिल लिया है। और यार अभी इस व्लॉग को मैं एंड करूँगा इधर ही, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो तमिंग सारी टावर के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, इन द मलेशिया, मलाका, थाईलैंड या जो जो हमने कंट्रीज इधर की हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। और अभी यार इस व्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ इधर ही, ठीक है। आपने अगर तक अभी हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो लाजमी कर लें, और दुआ में यार रहिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।